सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म है जो इस यूनिट का बुनियादी मौजू है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम खसूसियात और ऐसे अजसाम पर बहस करेंगे जिनके मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है हम किस्म की वेव्स और रिपल टैंक की मदद से उनकी खसूसियात की भी वजाहत करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन से मोशन करते हुए जिसम का एक्सलेशन उसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन की सीमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग स्प्रिंग के साथ बंधी हुई मास की मोशन उपकी हमवार सतह पर स्प्रिंग से बंधी हुई मास की मोशन ऑसिलेटरी मोशन की सादासी मिसाल है अगर स्प्रिंग को उसकी वस्ती पोजीशन जीरो से डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींचा जाए तो यह मास एम पर फोर्स एफ लगाएगा हुक के कानून, के मुताबिक फोर्स एफ स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा एक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यानी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स यह एक्स मास एम का उसकी वस्ती पोजीशन जीरो से डिस्प्लेसमेंट है और K एक कांस्टेंट है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसकी तारीफ यू की जाती है के इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइड बाई एक्स के स्प्रिंग के सख्त पन की पेमाइश है सख्त स्प्रिंग के लिए के की मकदार ज्यादा और नरम स्प्रिंग के लिए के की मकदार कम होती है क्योंकि एफ इज एकवल टू एम ए या के इज इक्वल टू माइनस एम ए डिवाइड बाई एक्स दैन ए इज एकवल टू माइनस के डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई बाई एक्स देन ए डायरेक्ट प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग के साथ बंधी हुई मास का एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिहाजा मास स्प्रिंग सिस्टम की उपकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है ऊपर की दी गई नेगेटिव अलामत का मतलब यह है कि स्प्रिंग की अमल करदा फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की समत की मुखालिफ होती है स्प्रिंग के फोर्स की समत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है इसलिए इसे बाज बाजात रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ओसलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिसम को उसकी वस्ती पोजीशन की तरफ या उससे दूसरी तरफ धकेलती है इब्ता में मास एम वस्ती पोजीशन जीरो पर रेस्ट में है और इस पर रिजल्टेंट फोर्स सिपर है अगर मास को डिस्प्लेसमेंट एक्स तक कींच कर इंतहाई पोजिशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मास वस्ती पोजिशन जीरो की तरफ मोशन करेगा रिस्टोरिंग फोर्स की मकदार वस्ती पोजीशन से फासला कम होने पर कम हो जाती है और वस्ती मकाम जीरो पर सिपर हो जाती है ताहम जब मास वस्ती पोजीशन की तरफ मोशन करता है तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और पोजीशन जीरो पर उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा होती है इनर्शिया की वजह से मास वस्ती पोजीशन पर ठहरता नहीं बल्कि अपनी मोशन इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखता है जब मास वस्ती पोजीशन जीरो से इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है तो इस पर अमल करदा रेस्टोरिंग फोर्स की मकदार बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाती है लिहाजा मास की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है आखिरकार मास इंतहाई पोजीशन बी पर मुख्तर वक्त के लिए ठहरता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वस्ती पोजीशन जीरो की तरफ वापस लौट आता है इस तरह से मास वस्ती पोजीशन जीरो की इर्द गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है विपृक्षण उपकी सतह पर स्प्रिंग से बंधी हुई मास की इस तरह की मोशन सिल्पर हारंपारिक मोशन कहलाती है स्प्रिंग से बंधी हुई मास एम के सिंपल हार्मानिक मोशन के टाइम पेरा टी का फार्मूला मंदरजैल है जैसे टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाई के